नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्मार्टफोन लवर्स में। दोस्तों, जब भी आप कोई है ना स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं, फिर वहां पर कैमरा चेक करते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हैं? ज़्यादातर लोग यही देखते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उतना ही अच्छा मानते हैं, वो सोचते हैं कि उतनी क्लियरिटी अच्छी होगी। क्या ये बात सही है? दोस्तों, आपका क्या मानना है कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा स्मार्टफोन में, क्या वो उतनी ज़्यादा क्लियरिटी देगा फोटो में? और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बात करते हैं कि मेरा इतने मेगापिक्सल का कैमरा है स्मार्टफोन में, कोई बोलता है मेरा 32 का है, कोई बोलता है मेरा 64 मेगापिक्सल का कैमरा है स्मार्टफोन में, लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए जो कि ये बोले कि मेरा आईफोन है, जैसे ही आईफोन आता है तो मेगापिक्सल की बात ही खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों? बल्कि आईफोन का कैमरा तो 12 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन वो क्लियरिटी बहुत अच्छी देता है। तो आपका क्या मानना है कि जब ज़्यादा मेगापिक्सल हो किसी कैमरे में, तो क्या वो ज़्यादा क्लियरिटी देता है? आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग जैसे कि मार्केट गए फ़ोन लेने गए, तो फिर दुकानदार हमको मेगापिक्सल बताने लगता है, ये इतने मेगापिक्सल का, ये इतने मेगापिक्सल का, और ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल स्मार्टफोन दिखाने लगता है कैमरे के हिसाब से, अगर हम स्मार्टफोन लेना चाहें तो। एक बात सोचिए कि ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा क्या ज़्यादा क्लियर फोटो देगा, ज़्यादा क्लियर वीडियो बनाएगा? दोस्तों, आईफोन हो गया, गूगल पिक्सल हो गया, ये स्मार्टफोन में तो कैमरा बहुत कम मेगापिक्सल का होता होगा, होगा क्या? होता है, फिर भी क्लियरिटी बहुत जबरदस्त देता है। ऐसा क्यों? ठीक है दोस्तों, देखिए इन सब को समझने के बारे में ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हमें ये पिक्सल मेगापिक्सल इन सब के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ये ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग किसी स्मार्टफोन से फोटो खींचते हैं, तो स्मार्टफोन में है ना एक कैमरा सेंसर होता है। जी हाँ, वो सेंसर ही क्या करता है, वो मतलब फोटो खींचता है, लेकिन उस कैमरा सेंसर में क्या होता है, पिक्सल होते हैं बहुत सारे। अब आप कहेंगे ये पिक्सल क्या होता है? दोस्तों, जब भी हम किसी स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो खींचते हैं, तो उस कैमरे में ना कैमरा सेंसर होता है, और उस कैमरा सेंसर में पिक्सल होते हैं। अब बात आती है कि मतलब ये पिक्सल क्या होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पहले सबसे पहले यही बताऊंगा ये पिक्सल और मेगा पिक्सल क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा और ये आईफोन का, अगर कम मेगापिक्सल का भी कैमरा है, उसकी क्लियरिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है आईफोन की, बल्कि मेगापिक्सल तो ये नॉर्मल कैमरा में ज़्यादा होता है, ये सब बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पिक्सल और मेगापिक्सल की। सबसे पहली बात कि पिक्सल क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कभी भी किसी भी फोटो को जूम करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ठीक है, फिर वो एक टाइम पे मतलब जूम होना बंद हो जाएगी, फिर वहाँ पर आपको स्क्वायर शेप में बॉक्स दिखने लगेंगे फोटो में काफ़ी ज़्यादा, वही जो एक स्क्वायर शेप का जो बॉक्स होगा वो पिक्सल होता है, एक पिक्सल। जी हाँ दोस्तों, वही पिक्सल कहलाता है, मतलब किसी भी इमेज का सबसे छोटा पार्ट वो पिक्सल कहलाता है। ओके दोस्तों, किसी भी फोटो को जूम कीजिए, फिर वो जब जूम हो जाएगी, फिर एक कंडीशन ऐसी आएगी वो और जूम नहीं होगी, फिर वहां पर आपको चौकोर टाइप के बॉक्स दिखेंगे स्क्वायर शेप में, वो होगा एक पिक्सल। ओके दोस्तों, अब मेगा पिक्सल क्या होता है। देखिए, ये आपको पिक्सल तो समझ में आ गया, और 1 मेगापिक्सल होता है 10 लाख पिक्सल। जी हाँ, 1 मेगापिक्सल इक्वल टू 10 लाख पिक्सल। जी हाँ, जब 10 लाख पिक्सल मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं 1 मेगापिक्सल। ओके दोस्तों, जैसे ही अगर मान लीजिए अगर 12 मेगापिक्सल है तो 12 मिलियन हो गया पिक्सल। जी हाँ, अगर 1 मेगापिक्सल तो 1 मिलियन पिक्सल होंगे, और 12 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उसमें 12 मिलियन पिक्सल होंगे। इसी तरह अगर 64 मेगापिक्सल का है तो 64 मिलियन होंगे। इस तरीके से ये होता है, मतलब 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास है ना कोई एक फ़ोन है, ठीक है, उसमें कैमरा सेंसर होगा, उस कैमरा सेंसर में मान लीजिए 12 मेगापिक्सल का है वो, ठीक है, उसमें 12 मेगापिक्सल है। अब 12 मेगापिक्सल में कितने पिक्सल हुए जाके, 12 मिलियन। अब देखिए, सेंसर तो वही है और उसमें 12 मिलियन पिक्सल हैं, ठीक है। अब ले लीजिए 32 मेगापिक्सल वाला, तो 32 मेगापिक्सल वाला जब आप लेंगे तो सेंसर साइज सेम होगा,
लेकिन उसमें जो पिक्सल होंगे वो 32 मिलियन पिक्सल कर दिए जाएंगे, मतलब जो पिक्सल साइज होगा ना 32 मिलियन वाले में उसमें छोटा कर दिया जाएगा। जी हाँ, 32 मिलियन पिक्सल जिसमें होंगे मतलब 32 मेगापिक्सल कैमरा में पिक्सल साइज छोटा हो जाएगा अगर कंपेरिजन किया जाए 12 मेगापिक्सल वाले कैमरे से। ओके दोस्तों, मतलब जैसे कि जिसमें भी ज़्यादा अगर मेगापिक्सल दिखाए जाते हैं तो उसमें पिक्सल का साइज छोटा हो जाता है। देखिए दोस्तों, होता यह है कि जैसे कि मान लीजिए ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा तो उसमें ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, है ना, और जिसका जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा वो फोटो उतनी ही जूम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए ये तो बात हो गई पिक्सल और मेगापिक्सल की, आई थिंक आप समझ चुके होंगे पिक्सल क्या होता है मेगापिक्सल क्या होता है। अब बात करते हैं फोटो की क्वालिटी की। देखिए जब नॉर्मल जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें 32 64 मतलब 32 64 इस तरीके मेगापिक्सल कैमरा होता है, लेकिन आईफोन ले लीजिए या कोई भी फ्लैगशिप फ़ोन ले लीजिए उसमें मेगापिक्सल कम होते हैं लेकिन फोटो फिर भी बहुत क्लियर आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, अब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो इमेज की क्वालिटी होती है ना वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे कि इमेज सेंसर साइज, जी हाँ, और इसके अलावा पिक्सल साइज, और इसके अलावा एपर्चर, और इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग, इन सब पे डिपेंड करती है इमेज की क्वालिटी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो कोई भी आईफोन ले लीजिए या फिर फ्लैगशिप फ़ोन ले लीजिए, उनमें मेगापिक्सल कम होगा। अगर मेगापिक्सल कम होगा तो फिर पिक्सल साइज तो बड़ा होगा ऑटोमेटिकली। ओके दोस्तों, और जब पिक्सल साइज बड़ा होगा तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, जी हाँ, उसमें मतलब ज़्यादा डेटा वो कैप्चर कर सकता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। ओके दोस्तों, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी तो फिर मतलब क्लियर तो इमेज आएगी, है ना। और फिर बात करते हैं इमेज सेंसर, इनमें जो आईफोन होता है और फ्लैगशिप फोन इनमें है ना इमेज सेंसर भी बड़ा होता है, इमेज सेंसर भी बड़ा होगा तो जब इमेज सेंसर बड़ा होगा ये भी मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर पाएंगे। कैमरा सेंसर बड़ा होगा, इमेज सेंसर और कैमरा सेंसर एक ही बात है, जब ये बड़े होंगे तो फिर ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे, ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएंगे, जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर पाएंगे तो फोटो उतनी ही क्लियर होगी। और जो फोटो क्वालिटी डिपेंड करती है वो होता है एपर्चर, जी हाँ, एपर्चर की एफ वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही अच्छे क्वालिटी इमेज आएगी। जी हाँ, एपर्चर एक तरीके दरवाज़ा समझ लीजिए। अगर आपको एपर्चर के बारे में और जानकारी चाहिए मैं इसका पहले वीडियो बना चुका हूँ, कैमरा एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, वहाँ पर आप देख सकते हैं, एपर्चर की आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, एपर्चर जिसकी एफ वैल्यू कम होगी वो उतना ही बड़ा उसका दरवाज़ा होगा, एपर्चर एक तरीके दरवाज़ा समझ लीजिए सेंसर का। और जब दरवाज़ा बड़ा होगा तो ज़्यादा खुलेगा तो फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, तो इस तरीके से जिसके जिसका एपर्चर अच्छा होगा एफ वैल्यू कम होगी वो उतनी अच्छी फोटो क्वालिटी देगा। बात आती है इमेज प्रोसेसिंग, जी हाँ, इमेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेटा स्टोर हो गया, ये सब कुछ हो गया, अब फिर बात आती है इमेज प्रोसेसिंग, वो किस तरह प्रोसेसिंग करता है इमेज की, जी हाँ, ये डिपेंड करेगा प्रोसेसर पर, तो इमेज की क्वालिटी प्रोसेसर पर भी डिपेंड करती है, तो फिर इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए आपके स्मार्टफोन में प्रोसेसर कौन सा है। ओके दोस्तों, ये कई चीज़ें हैं जिस पर कि इमेज की क्वालिटी डिपेंड करती है, इमेज सेंसर साइज हो गया, पिक्सल साइज हो गया, एपर्चर हो गया, और इमेज प्रोसेसिंग हो गया। और दोस्तों, मेगापिक्सल से तो आप समझ चुके होंगे, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा हम किसी फोटो को उतना ही ज़्यादा जूम कर लेंगे। अब दोस्तों DSLR में देख लीजिए, उसमें भी 16 मेगापिक्सल कैमरा होता है या फिर 24 मेगापिक्सल का, लेकिन वो तो और भी अच्छी क्लियरिटी देता है, ऐसा क्यों? ऐसा केवल इसी वजह से होता है, इमेज सेंसर उसका बहुत बड़ा होता है और पिक्सल साइज भी बड़ा होता है, इन सब की वजह से फिर वो और ज़्यादा डेटा कैप्चर करता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टोर करता है और उतनी फोटो क्लियर देता है आपको। अब तो आप समझ चुके होंगे कि ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा ज़्यादा अच्छी फोटो देता है या नहीं देता है। ओके, अब तो आप समझ चुके होंगे कि इमेज क्वालिटी किस किस पर डिपेंड करती है। ओके दोस्तों, और अगर आपको इस वीडियो में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट रहा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।